मंदिर के प्रबंधक पंडित सत्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि यहां मंदिर में प्रतिदिन 6 मई 2008 से अखंड यज्ञ हवन अनवर जारी रहता है। और इस मंदिर का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसका जो लिंग है वह 2 क्विंटल का है और जो अर्घा है वो 8 क्विंटल का है। इसमें मैं प्रयागराज संगम क्षेत्र में संगमेश्वर महादेव मंदिर में खड़े, जो कि भोलेनाथ बहुत अद्भुत मंदिर है महादेव जी का। ये तो आइए हमारे साथ भैया, उनसे बातचीत कर मंदिर बारे जानते क्या कैसा हुआ है। संगमेश्वर महादेव मंदिर की व्यवस्था 2008 से ये स्थापित हुए है। मैं सत्य प्रकाश मिश्रा इस मंदिर का प्रबंधक और आचार्य हूँ। इस मंदिर का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसका जो लिंग है वो 2 क्विंटल का है और जो अर्घा है वो 8 क्विंटल का है। ये मंदिर कब स्थापित हुई है? 2008 में, 2008 से मंदिर है। और उस अर्घे की खासियत यह है कि उसके कमल का फूल बना हुआ है अर्घा में, और जो लिंग है उसमें ओम अपने आप प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, जिस कारण से इनका दर्शन बहुत ही भक्तों को लाभकारी हो रहा है। स्वयं मैं जब से स्थापना हुई, मैं, मेरा परिवार, मेरा जीवन सब प्रकार से आगे बढ़ा है और मेरा हर प्रकार से प्रगति हुई है, विकास हुआ है। इस मंदिर में अनवरत भंडारा प्रसाद बढ़ता है, वर्ष भर कभी बंद नहीं होता। कोरोना काल में भी इस मंदिर बंद रहता था, फिर भी भोजन बना करके एडीएम साहब के अनुमति से इस क्षेत्र में लगातार 1.5 से 2 महीना प्रसाद बटा, यानी यहाँ पर कभी भंडारा प्रसाद बंद नहीं हुआ। जो भी बंजारे रहते थे, श्रमिक वर्ग रहते थे, जिनको भी भोजन नहीं है, वो थाने से हमारे पास फोन आता था कि किस एरिया में भोजन नहीं बट रहा, वहाँ भोजन पहुँचाएं। और महादेव की कृपा से ढेर सारे लोगों को भोजन प्रसाद कराया गया, सभी लोग बड़े इस प्रकार से इस संगम पर। और यह जो शिवलिंग है, वट वृक्ष के नीचे कदम्ब और पीपल 3 वृक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, त्रिवेणी तट है, गंगा जमुना सरस्वती, और स्वयं 3 लोकधारी त्रिलोकीनाथ देवों के देव महादेव त्रिपुंडधारी उस 3 वृक्ष के नीचे, पवित्र वृक्ष के नीचे विराजमान है। और भक्तों का इस प्रकार से उनके द्वारा भला होता रहता है, अत्यंत चमत्कारी शिवलिंग है। हम निवेदन करेंगे कि इस आपके प्रेस के माध्यम से जितने लोग हो सके दर्शन जरूर करें, यहाँ पर भंडारा निःशुल्क होता है, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, हर हर महादेव। अच्छा मिश्रा, ये भंडारा का आयोजन कब से चल रहा है? 2008 से। कभी भंडारा बंद नहीं हुआ आज तक, बाढ़ इत्यादि में 5 दिन के लिए डिस्टर्ब होता है, उसके बाद फिर भंडारा शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ ऐसे ही बता रही शिवलिंग में, जैसे कि बताया शिवलिंग में ओम बना हुआ है, ये कुछ ऐसा भी यहाँ पे? हाँ यस, तो आइए आप हमें, आइए आपको शिवलिंग का, हम देखते हैं आप शिवलिंग में ओम बना हुआ है, तो चमत्कार हम लोग अपने कैमरे के माध्यम से देखते हैं। शिवलिंग में जो कि बताया जा रहा है ओम बना हुआ है, ये हम दिखाना चाहिए शिवलिंग में, ये जो कि बहुत ही चमत्कार है, ये महादेव जी के शिवलिंग में ओम बना हुआ है। आप स्वयं आकर के इसका दर्शन कर सकते हैं, और जो एक बार दर्शन करता है महादेव उसको सदा अपना बना लेते हैं, शिवलिंग का दर्शन करने वाला कभी भूलता नहीं, उनके हृदय में बस जाते हैं, बहुत ही मोहनी स्वरूप। अच्छा, ये शिवलिंग कब से यहाँ पे स्थापित हुआ गया है? 2008 से आश्रम है और 2014 से ये शिवलिंग स्थापित हुआ लगातार। ये शिवलिंग जो बना हुआ है, कितने कुंटल शिवलिंग, कितने क्या क्या साइज है शिवलिंग के, क्या सर कितना वजन होंगे? वजन इसका 2 क्विंटल है और अर्घा 8 क्विंटल का है। शुरू से यहाँ से स्थापित? हाँ, शुरू से स्थापित 2014 में स्थापित किए गए, इनकी बड़ी महिमा है। ये बाहर से आए हुए हैं, संगम पर विसर्जन के लिए आए हुए थे, परंतु भक्तों द्वारा ये तय हुआ कि संगम तट पर इनकी स्थापना हो, तो चूंकि मेरा आश्रम 2008 से था तो तय हुआ कि मेरे आश्रम में ये स्थापित किए जाए, और मेरे द्वारा शिवलिंग की स्थापना हुई। मेरे द्वारा मेरा सौभाग्य है कि नामकरण भी हुआ और इस शिवलिंग का नाम संगम वाले संगमेश्वर महादेव रखा गया,
और तब से वो भक्तों को लगातार भंडारा प्रसाद खिलाते हैं, कभी कोई कमी नहीं होती, भक्त आते हैं भंडारा प्रसाद करते हैं और उनके सौजन्य से ये भंडारा बढ़ता रहता है। जो की संगम क्षेत्र में बहुत अद्भुत यहाँ शिवलिंग है, जो की महादेव जी का शिवलिंग है, जो की कुदरती यहाँ पे शिवलिंग में ओम बना हुआ, जो की सबसे बड़ा चीज है और अद्भुत शिवलिंग यहाँ पे जो संगम क्षेत्र में संगमेश्वर भोलेनाथ मंदिर है ये, और बहुत ही आकर्षित है ये, लोगों को यहाँ आने पर हर मनोकामना पूरी, लोग दूर दराज लोग दर्शन करते और लगातार दर्शन करने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण होता है, भंडारा लगातार चलता रहता है, हमारे मित्र यहाँ पे देख रेख करते हैं। ईश्वर महादेव जी का मंदिर है, उस श्रद्धालु यहाँ बाहर से आए हुए स्नान करने वाले आई, वो दर्शन किए, स्नानार्थी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो कि यहाँ प्रसाद वितरण हुआ भंडारित कराया जा रहा है उन्हीं के माध्यम। मेरा नाम रघुवीर सिंह चौहान है, मैं इंद्रनगर कॉलोनी शाहजहांपुर से आया हूँ और श्री सत्य प्रकाश मिश्रा आचार्य जी द्वारा सहयोग से उनके सौजन्य से यहाँ पर जो प्रसाद वितरण हो रहा है वो उनके सौजन्य से मेरे द्वारा किया गया है और मैं बहुत उनका प्रसाद बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, आपका बहुत आभारी हूँ। अच्छा प्रयागराज में आप आए, स्नान किए, दर्शन किए, आप कैसा लगा यहाँ का माहौल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर व्यवस्था, जो व्यवस्था है उनके बारे में? हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। शिवलिंग का आपने दर्शन किया, सारे श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे, लोग बहुत दूर दराज से आए हुए, जो भगवान संगमेश्वर महादेव जी का दर्शन किए, उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। हमारे साथ माता जी है, आइए उनसे बातचीत करें। माता जी आप कैसे यहाँ पे आए? बहुत अच्छा लगा है, प्रसाद का वितरण हुआ, भगवान भोलेनाथ के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन हुए, संगम पे नहाने। तो संगम क्षेत्र में लगातार श्रद्धालु आए स्नान करने के बाद, इस समय हम आपको संगम क्षेत्र नजारा दिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही दृश्य ये बहुत अद्भुत नजारा है यहाँ पे संगम क्षेत्र, जो की यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग भी है और संगमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है स्थित भगवान, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं दर्शन दर्शनार्थी स्नान करते हैं, प्रयागराज से ही मशहूर है। इस अरगाह की खासियत ये है कि इस अरगाह में कमल का फूल बना हुआ है और जो शिवलिंग है उसमें प्राकृतिक रूप से ओम बना हुआ है। यह शिवलिंग पवित्र वृक्षों पीपल वट एवं कदम्ब के नीचे स्थापित है, इसीलिए इस मंदिर का एक अलग ही महत्व है और इस मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए बहुत ही दूर दराज से लोग आते हैं और संगमनेर महादेव जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इसी तरह मंदिर में भंडारे का भी आयोजन हमेशा चलता रहता है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।